सर, ये हमने सबने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लिया है और शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हम एक टीम वर्क कर बन के हम काम करना चाह रहे हैं और इस टीम वर्क में हम सबको साथ जोड़ना चाह रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी पे थोपे नहीं कोई चीज़, सबको साथ लेके, सबको समझा के और इस मुहिम का हिस्सा बनाकर हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। आज हमने इसी क्रम में बैंकों के अधिकारियों की मीटिंग रखी थी क्योंकि शहर में बैंकों ने काफ़ी सारा न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है। बैंक के बाहर बेतरतीब वाहन खड़े कर देते हैं जिससे यातायात बाधित होता है, तो उनको इसी बात को समझाने के लिए पहले नोटिस दिए गए बहुत टाइम पहले और लगातार दो दो तीन तीन नोटिस हमने दे दिए, बावजूद उसके उन्होंने वो सुधार नहीं किया। तब हमने एक मीटिंग बुलाई उनको कि हम पर्सनली वन टू वन बात करें उनसे और आज इसी क्रम में मीटिंग थी, पर 14 बैंकों को बुलाने के बाद भी केवल 7 बैंक के अधिकारी आए, ये बहुत ही शर्मनाक बात। तो हमने साफ साफ तय कर लिया है पूरी कमेटी ने, चेयरमैन साहब, SDM साहब, कमिश्नर साहब, मैं और अन्य जितने भी अधिकारी हैं, कि जो लोग जो बैंक के अधिकारी नहीं आए हैं उनको अभी 4 बजे वाली बैठक में आने के लिए एक बार और मौका देंगे। अगर वो 4 बजे वाली बैठक में भी नहीं आते हैं तो सुबह हम खुद जाके उन बैंकों को सीज करेंगे, क्योंकि वो आवासीय परिसर में कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए वो दंडनीय है और हमारे पास अधिकार है, कानून सम्मत हमारे पास अधिकार है कि हम उन बैंकों को सीज कर सकते हैं जो यातायात को बाधित कर रहे हैं, शहर का न्यूसेंस, शहर में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमने तय किया है, हम एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और हम इसको ज़मीन पर उतारना चाहते हैं और निश्चित रूप से इस शहर की जनता को हम इस बेतरतीब यातायात से मुक्ति देंगे, ये हमारा संकल्प है। निजी और हमने एक टारगेट लिया है, हमने कुछ पार्ट किया है, ए पार्ट में हमने लिया है हाउसिंग बोर्ड से लेके RK कम्युनिटी तक, जो मेन रोड पे जितने बैंक आ रहे हैं 14 बैंक आ रहे थे उन 14 बैंक को हमने अभी लिया है और उसके बाद के अगले स्टेप में सेकंड स्टेप में हम उनको लेंगे। अभी हम एक साथ इतना लोड नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा लोड करें, हम एक एक स्टेप चाहते हैं और 100 मोटर भी लोगों में जागरूकता आए, ऑटोमेटिकली भी आए कि हम इस काम को करें तो आने अगला जो स्टेप है उस पर पहले से लोगों को पता लग जाएगा ये सब चीज़ फॉलोअप करनी है, नगर परिषद फॉलो कराएगी, विधायक फॉलो कराएगा, चेयरमैन फॉलो कराएगा, तो ये समझ में आना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम जन आंदोलन बने, प्रत्येक शहर का नागरिक जो इस शहर की बेहतरी चाहता है वो हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम में हमारा साथ दे ताकि हम शहर को सुंदर से सुंदर बना सकें। बैंकों के साथ कोई उनके खिलाफ भी कोई 100% कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, समानता के साथ काम होगा। कोई कितना ही ताकतवर आदमी है उसको कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, कानून से अलग होके कोई कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आज जैसे आपके सामने आया था सुबह की बैठक में कि जिन बैंकों के पास पार्किंग है और अंडर के नीचे दुकानें बना दी गई हैं उसको लेकर के कोई कार्रवाई, वो दुकानें सीज होगी। आप ही के सामने आदेश कर दिए थे कि जो पार्किंग हमें सरेंडर कर रखी है नगर परिषद को, वो संपत्ति है नगर परिषद की, वो नगर परिषद उनको एक्वायर करेगी, उनको सीज करेगी और पार्किंग के लिए सुनिश्चित करेगी, ये तय।